दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आईपीएल साल 2000 सीजन का भी अब काफ़ी नज़दीक है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। मैग ऑक्शन भी काफ़ी नज़दीक है और यहाँ जो दो नई टीमों की बिड होने वाली है ये भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है। तो काफ़ी सारा एक्साइटमेंट T20 को लेकर और क्रिकेट को लेकर बना हुआ है। खैर इंडिया का वर्ल्ड कप का सीज़न भी चालू होने वाला है, वार्म अप मैच तो आज इंडिया का है ही, तो आप देखते हो कमेंट करके बताना, देखते हो नहीं देखते हो। खैर आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, जहाँ दोस्तों आज मैं आपको वरुण चक्रवर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। तो सारी अपडेट्स मैं आपको दूंगा और इन अपडेट्स के चलते केकेआर को क्या फायदा या क्या नुकसान होने वाला है आज हम वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों केकेआर रनर अप रही थी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। खैर क्या है इन अपडेट्स के अंदर आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके हुए काफी आगे बढ़ गई थी, बट हार गई अनफॉर्चुनेटली। बट इसके बावजूद भी केकेआर की परफॉर्मेंस देखते हुए फैंस नहीं बढ़े, तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्या गलत हो रहा है कि केकेआर की फैन फॉलोइंग बढ़ी नहीं जा रही है, जो फैंस थे वही के वही हो रहे हैं। खैर दोस्तों टॉप अपडेट्स की अगर बात करें तो पहले अपडेट आ रही है दिनेश कार्तिक को लेकर। तो दोस्तों जैसा हम आपको पहले ही बता चुके थे कि दिनेश कार्तिक हो सकता है उनका ये साल 2021 का आईपीएल जो है वो लास्ट आईपीएल हो, फिर वो कमेंट्री करेंगे, या फिर दोस्तों साल 2022 का उनका लास्ट आईपीएल हो। खैर दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि यहां पर वो केकेआर की टीम से नहीं खेलेंगे, नई टीम से उनकी बातचीत चल रही है। बट इसके अलावा भी अपडेट आई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहां पर तमिलनाडु की टीम से कप्तानी करते हुए दिनेश कार्तिक ने अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाई थी, बट उसका 5% परफॉर्मेंस भी वो आईपीएल साल 2021 के अंदर नहीं दे पाए। खैर वो तो अब आईपीएल खत्म हो गया है, तो उसकी क्या ही बात करें। दरअसल दोस्तों अभी की अपडेट दिनेश कार्तिक को लेकर यह है कि इनको फिर से अपॉइंट किया गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु का कप्तान। बट दोस्तों अब ये बाहर हो चुके हैं, इनको यहां पर नी इंजरी हो गई है और यहां डॉक्टर्स ने इनको 6 हफ्ते का यहाँ पर रेस्ट करने को बोला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर दोस्तों अब नया कप्तान तमिलनाडु अपॉइंट करेगा, बट यहाँ दिनेश कार्तिक तो नहीं खेलने वाला है। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ साल 2022 के अंदर अगर दिनेश कार्तिक अवेलेबल होते हैं तो केकेआर को इन्हें वापस खरीद लेना चाहिए या फिर रिलीज़ कर देना चाहिए और छुट्टी कर देनी चाहिए इनकी। अगली अपडेट आ रही है वरुण चक्रवर्ती को लेकर। तो नो डाउट वरुण चक्रवर्ती केकेआर के मतलब जो ओवरसीज़ कहें तो इंडियन यहां पर सुनील नारायण है, ओवरसीज तो सुनील नारायण है ही, वरुण चक्रवर्ती केकेआर के इंडियन सुनील नारायण है। तो यहां दोस्तों काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि वर्ल्ड कप टीम में चुने गए हैं तो इनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्या ये इंजर्ड हो गए वापस, क्योंकि इनकी इंजरी से जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी पुरानी रही है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो डाउट ये एक बहुत अच्छे स्पिनर है। बट इन्होंने यहां पर जो रीज़न दिया गया है, दोस्तों रीज़न में इतना कुछ दम तो हमें लगा नहीं, बट दोस्तों रीज़न फिर भी जो दिया गया है इनको ना खिलाने का वार्म अप मुकाबलों के अंदर, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों कप्तान ने ऐसा बोला है कि हम इनको वार्म अप मुकाबलों के अंदर उतारेंगे नहीं, हम इनको डायरेक्टली जो हमारे लीग्स मुकाबले होंगे जो कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा, हम डायरेक्टली उनमें उतारेंगे। हम नहीं चाहते कि यहां दूसरी टीमें इनकी वो जो है इनको मॉनिटर कर लेगी कि ये किस तरह से बॉल डाल रहे हैं। अब दोस्तों वैसे ही आईपीएल तो खेल चुके हैं तो दूसरी टीमें वैसे ही मॉनिटर कर लेगी, बट हाँ हो सकता है कि इन रियल यहां पर जो अगर किसी टीम के साथ खेलते हैं और वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस अगर कुछ अलग होता है तो उस हिसाब से मॉनिटर कर ले, तो हो सकता है ये रीजन काम का हो। बट इसके बावजूद भी दोस्तों आज के वार्म अप मुकाबले में खेलते हुए नहीं नजर आ सकते हैं, आएंगे भी तो कुछ ओवर डालेंगे, बट हाँ 24 तारीख को तो ये कंफर्म रूप से प्लेइंग 11 के अंदर खेल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ क्या आपको पता है कि आपको लगता है वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 में खेलना डिजर्व करते हैं या फिर इनको बाहर बिठा कर रखना चाहिए। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी जरूर लाइक करो।